हेलो गाइस, आज की ये वीडियो उन सभी के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो लोग ट्रेडर्स को ऑलरेडी चला रहे हैं। हालांकि जिन लोगों ने अभी तक इंस्टॉल नहीं किया है वो करने वाले हैं या सोच रहे हैं ट्रेडर्स को यूज करने की, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये वीडियो उन सब के लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो लोग अभी से जो है काफी दिनों से यूज कर रहे हैं ट्रेडर्स, या नया नया जो है इन्होंने इंस्टॉल किया है। क्योंकि बात ही ऐसी हुई है, आज एक ऐसी चीज हुई है जो हम सबके लिए जानना जरूरी है, समझना जरूरी है, और हमें यह पता चलेगा कि क्या ट्रेडएक्स फेथफुल है नहीं है, क्या हमारा पैसा ट्रेडएक्स के साथ सेफ है या नहीं है। क्योंकि इसी के रिगार्डिंग एक यूजर से भी बात हुई थी, उसने भी अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर किया, क्योंकि जब ये प्रॉब्लम हुई तो बहुत ज्यादा बजड़ सी फैल रही थी, लोगों के मैसेज आ रहे थे, तो उसने भी एक बहुत अच्छा जो है अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर किया। वो एक्सपीरियंस मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, जिसको समझने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि ट्रेडएक्स फेथफुल है नहीं है, क्या आपका पैसा ट्रेडएक्स के साथ सेफ है या नहीं है, ये चीज आपको पता चल जाएगी। सो गाइस, वेस्ट ना करते हुए टाइम वीडियो स्टार्ट करते हैं। आई एम विकास एंड यू आर मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द टेक कोट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं कि आज हुआ क्या है। सो बेसिकली क्या हुआ कि आप देखेंगे कि डेली जो है कॉफी फ्यूचर ट्रेड का यहां पर रेंज इवेंट डलता है 1:30 बजे के आसपास, और उसका टाइम रात को 11 बजे के आसपास तक रहता है। तो अब हुआ क्या, वहां पे एक रेंज इवेंट डला कल जो है कॉफी का। अब वो 5:30 बजे के आसपास जो है वो रेंज से बाहर चला गया, 235-236 के आसपास की रेंज थी, वो 233 के आसपास उसकी रेंज चली गई, यानी कि नीचे चला गया वो उससे, और इवेंट जो है वो वहां पर नो सेटल हो गया। ठीक है, अभी हुआ क्या, लोगों ने पैसा लगा दिया। अब लोगों को लगा कि ठीक है, कुछ लोग प्रॉफिट लेके निकल गए, कुछ लोगों ने होल्ड कर लिया, ऐसे ही होता है नॉर्मली। ठीक है, कुछ लोगों ने अपना प्रॉफिट, किसी ने 90 पे लगाया हुआ होगा तो उन्होंने 95-97-98 के आसपास पहुंचा, वो प्राइस वापस निकाल लिया उन्होंने पैसा। तो अब हुआ क्या, कुछ लोगों ने काफी बड़ा अमाउंट जो है वहां पे होल्ड करके रख लिया। अब जब वो सुबह उठ के देखते हैं, क्योंकि अगले दिन सेटल होता है इवेंट, तो देखते हैं कि भाई नो की जगह ये तो यस पर सेटल हो गया, ये क्या हो गया। लोगों को बहुत ज्यादा भारी नुकसान हुआ, काफी ज्यादा पैसा उन्होंने होल्ड करके रखा हुआ था वहां पे, क्योंकि वो इवेंट जो है नो सेटल हो चुका था। अब वहां पर क्वेश्चंस आने शुरू होते हैं प्रेडिक्शन इनसाइड में, जो इनका ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, तो वहां पर जो है बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि यार ये इस पे कैसे सेटल हो सकता है, नो पे सेटल होना था। अब यहां पर गौर करने वाली बात ये है कि क्या इसमें ट्रेडएक्स की गलती थी, क्योंकि कई बार लोगों को इश्यू हो जाता है जो नई नई जो है एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं ना, उनको ये लगता है कि ना ट्रेडएक्स कुछ कर रहा है। क्योंकि आज से कुछ दिन पहले मेरे पास एक लड़के का मैसेज आया कि भाई मैं डेली इस पे 5-6 हजार रुपये, मतलब यस पे लगाता हूँ, ये इवेंट जो है डेली यस हो रहा था, कल मैंने 10 हजार रुपये लगा दिए, ये नो हो गया, ये ऐसे कैसे हो गया। सो अब यार ट्रेडर्स का आपका पैसा लेके नहीं भागता कि आपने एक दिन 90 हजार रुपये या 10 हजार रुपये या 5 हजार रुपये, जो भी आपकी मैक्सिमम लिमिट है वो लगा दिया, तो उसी दिन आपका मतलब अपोजिट साइड सेटल कर देगा। अब हुआ क्या, जो investing.com है जहां से कॉफी का प्राइस देखा जाता है, कॉफी फ्यूचर ट्रेड का, उस वेबसाइट में था ग्लिच। हुआ क्या, कल शाम को 5:30 बजे के अराउंड जो है, मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं, वहां पे कॉफी का जो प्राइस है 233 चला गया, यानी कि नो पे सेटल हो गया। लेकिन जब वहां पर आप देखोगे डे कैंडल में जाके, तो डे कैंडल में आपको 240 के अराउंड लो वैल्यू दिखाई देगी, यानी कि डे कैंडल के हिसाब से वो क्या है, डे कैंडल के हिसाब से वो यस है। जब आप हिस्टोरिकल डेटा में जाकर के देखोगे तो वहां पर तो बहुत ही तगड़ा ग्लिच है, आप देखोगे कि ओपन वैल्यू, उसकी लो वैल्यू और उसकी हाई वैल्यू तीनों सेम है, जो बिल्कुल भी यार मतलब हो ही नहीं सकता किसी भी मार्केट में। अगर मार्केट चल रही है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि पूरे दिन जो है प्राइस स्टेबल रहे। अब यहां पे इन्होंने हिस्टोरिकल डेटा देखा, डे कैंडल देखी वहां पे, तो इन्होंने यस पे सेटल कर दिया। अब इन्होंने क्या है, वो एक मिनट की कैंडल नहीं देखी, ये छोटी सी गलती हम ट्रेडर्स की तरफ से मान सकते हैं, हालांकि ये ग्लिच है investing.com में। डे कैंडल पे जाके देखोगे तो यस होगा, अगर आप एक मिनट की, 5 मिनट की, 15 मिनट तक की भी कैंडल जाके देखोगे, 15 मिनट तक की मैंने चेक करी है, शायद 1 घंटे की कैंडल में भी वो नो ही आपको दिखाई देगा। ठीक है, अब हुआ क्या, लोगों के क्वेश्चन गए, तो यहां पर एक स्टेप लिया गया ट्रेडर्स की तरफ से, उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, अब ये यस हो या ना नो हो हमें फर्क नहीं पड़ता, हम इस पूरे इवेंट को ही कैंसिल कर रहे हैं, और जितना भी वो लोगों ने होल्ड किया हुआ था वो यस हो या नो हो, वो पूरे का पूरा पैसा जो है हम वापस दे रहे हैं एज इट इज। क्योंकि अगर डे कैंडल के हिसाब से देखोगे तो भाई वो यस है, अगर कैंडल देखोगे 5-7 मिनट की, 10 मिनट की, 15 मिनट की, तो वो नो हो रहा है। तो अब वो फिर वहां पे झगड़ा हो रहा था कि यार मेरे तो वॉलेट से पैसे कट गए, क्योंकि यस पे सेटल हुआ था ऑब्वियसली काफी ज्यादा लोगों को काफी बड़ा जो है वहां पे प्रॉफिट हुआ होगा, किसी ने 2-4-5 रुपए पे अगर शेयर्स खरीदे हुए होंगे, तो अब वो लड़ रहे हैं आके कि भाई मेरे तो इतने पैसे उड़ा दिए ट्रेडर्स ने। सो भाई इस चीज को समझो,
कि ट्रेडर्स की गलती नहीं है, जो ये ग्लिच हुआ है investing.com की तरफ से, उसकी वेबसाइट में जो ग्लिच हुआ है उसकी वजह से ये पूरी की पूरी कंफ्यूजन क्रिएट हुई है। और यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया ट्रस्ट बिल्ड होता है ट्रेडर्स का, क्योंकि जो इन्होंने डिसीजन लिया है ना कि भाई हम पूरे का पूरा पैसा ही वापस कर रहे हैं, तो इसमें लड़ने की कोई बात ही नहीं रह जाती। अब कोई लड़ रहा है कि नहीं भाई आप 15 मिनट की कैंडल जाके देखो नो हुआ है, फिर अगला आ जाएगा कि भाई ये देखो मैं तो डे कैंडल दिखा रहा हूँ ये तो यस हो गया, तो दोनों का ही किस्सा खत्म, इवेंट कैंसिल हो चुका है। अब इसी के रिगार्डिंग मेरी एक यूजर से भी बात हुई थी, उससे का एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि आप अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, आप खरीद रहे हैं फिर बेच रहे हैं शेयर्स को, तो कई बार ऐसा होता है अगर आपके 60-70 पैसे का कोई भी शेयर रह जाता है तो आपके पोर्टफोलियो में भी नहीं दिखाई देता। तो ऐसे ही उस यूजर के साथ हुआ, उसने क्या है नेटफ्लिक्स पे वो ट्रेडिंग कर रहा था, अब वहां पे उसका 65-70 पैसे के आसपास का जो है वो शेयर वहां पर रह गया, जो उसे पता नहीं चला, वो पोर्टफोलियो में भी सो नहीं कर रहा। कई बार ही हो जाता है पोर्टफोलियो में सो नहीं कर रहा, लेकिन जब अगले दिन वो उठता है, उसके यस पे जो है 65 पैसे पड़े हुए थे, अगले दिन जब उठता है तो उसके 3 रुपये बनते थे उसके वॉलेट में, वो 3 रुपये क्रेडिट कर दिए गए। ट्रेडएक्स आपका सिंगल रुपी भी कहीं नहीं लेके जाने वाला अगर आप ट्रेडएक्स को यूज़ करते हैं। और इन केस जैसा कि ये आज हुआ है, जो investing.com में जो है ग्लिच हुआ है, इसमें भी इस तरीके के जो डिसीजन है आपके ट्रेड्स की तरफ से, ये भी काफ़ी अच्छे हैं कि गलती जो है investing.com की तरफ से हुई है, तो यूजर्स को, ट्रेडर्स के यूजर्स को कोई प्रॉब्लम ना हो तो वो इवेंट कैंसिल कर दिया गया। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि मैं वीडियो में क्या समझाना चाहता हूँ, कि ट्रेडएक्स जो है एक फेथफुल जो है एप्लीकेशन है, आपका पैसा कहीं नहीं जाने वाला। अगर थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की तरफ से कुछ गलती होती है तो यस हो या ना हो, तो नो हो, कुछ भी हो, तो उस केस में यहाँ पे ट्रेडर्स के यूजर्स को जो है कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, इवेंट कैंसिल भी हो सकता है इन दैट केस, जो आज कॉफी के साथ हुआ है। तो आप बेझिझक आप जो है ट्रेडिंग यहाँ पर कर सकते हैं, प्रॉफिट यहाँ पर बुक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपका पैसा कहीं नहीं जाने वाला। लेकिन फिर भी आप अच्छे तरीके से इवेंट्स को देखा करें, क्योंकि जैसा मैंने बीच में एक यूज़र का आपको बताया कि भाई मैं तो डेली लगा देता हूँ पैसे और फिर देखता ही नहीं मार्केट को, वो मैंने उससे पूछा कि मार्केट को ट्रैक करते हो, कह रहा नहीं भाई मैं मार्केट को ट्रैक नहीं करता। तो ये काम आपको नहीं करना है, मार्केट को ट्रैक जरूर करना है और उसी के हिसाब से आपको जो है ट्रेडिंग करनी है। लर्न सेक्शन यहाँ पे आ चुका है, उसमें बताया गया है किस तरीके से आपको ट्रेड लेना है, किस तरीके से प्रॉफिट बुक करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ आपको कॉल्स मिलती हैं, वहाँ आपको लर्निंग चीज़ें मतलब सिखाया जाता है आपको किस तरीके से ट्रेड लेना है। तो अंधाधुंध ट्रेड नहीं लेना है, ट्रेडर्स की तरफ से कभी कोई गलती आपको देखने को नहीं मिलेगी, ट्रेडर्स की तरफ से आपको कोई भी ऐसी चीज़ देखने को नहीं मिलेगी कि आप कह सकें कि भाई ट्रेडर्स ने मेरा पैसा मार लिया। आई होप कि आप चीज समझ गए होंगे, आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ अभी इसी वीडियो को शेयर करें और बताएं कि ट्रेडर्स कितना ज्यादा फेथफुल एक एप्लीकेशन है।